घर के किसी भी कॉर्नर को अगर आपको सजाना है या कोई अच्छा सा होम डेकोर ढूंढ रहे हैं तो उसको हम घर पर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनत नकवी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड न्यू डिटेल अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने ट्राइपॉड खरीदा था, उसी में मुझे ये कार्डबोर्ड बॉक्स मिला है, तो आज इसी कार्डबोर्ड का यूज़ करके फ्लावर वास बनाने वाली हूँ। तो मैं बॉक्स के इस पार्ट को कट नहीं करूँगी, वास को थोड़ा लंबा रखने के लिए इस पार्ट को टेप से चिपका दूंगी। और नीचे की साइड टेप से बंद कर दूंगी। तो देखिए, अब मैं बॉक्स के ऊपर वाली साइड पर फेविकोल लगाकर क्ले को लगा दूंगी। वो इसलिए बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट इवन नहीं था, क्ले को लगाने से इसका अच्छा सा बेस बन जाएगा। जब क्ले को चिपकाएं तो फेविकोल जरूर लगाएं। क्ले को लगाने के बाद ड्राई होने के लिए रख देना है। तो देखिए गाइस, ये मिरर टूट गया था, तो आज मैं वास में इसको ही यूज करने वाली हूँ। तो इस टाइप से मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। तो अब इन पीसेस को फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। अच्छा गाइस, जब भी मैं स्क्रैप मिरर का कोई डीआईवाई करती हूँ तो एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ये मिरर्स कहाँ से लेकर आएंगे। गाइस, अभी तो इस वीडियो में मेरे घर का मिरर टूट गया था तो उसी का यूज़ कर रही हूँ, बट आप लोग जब भी कोई मिरर का डीआईवाई करें तो किसी भी मिरर शॉप पर जाइए और उनसे बोल दीजिए हमें स्क्रैप मिरर्स चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, कोई पैसा नहीं लेते हैं। गाइस, यहाँ मैं जितना भी मिरर्स का वर्क कर रही हूँ वुड ग्लू की हेल्प से कर रही हूँ। ये बहुत मजबूत रहता है, इससे चिपकी हुई चीज़ें जल्दी से निकलती भी नहीं है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। गाइस, बनने के बाद ये वास बहुत ही एक्सपेंसिव दिखने वाला है। गाइस, जितना ज़्यादा मिरर्स को हम पास पास करके लगाएंगे ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और हमें ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है। तो अब मैंने लिए यहाँ पर वॉल पुट्टी और इसके अंदर मिलाया है मैंने फेविकोल और थोड़ा सा पानी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, पेस्ट की कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखनी है। और अब पेस्ट को लगा देना है। जितना भी गैप से उसको फिल कर देना है। और अब इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी। जब ये ड्राई हो जाए तो मैं फॉर्म को पानी में गीला करके मिरर्स के ऊपर से
पेस्ट को हटा दूंगी। और जो पेस्ट मिरर्स के ऊपर से हट नहीं रहा है उसको मैं पेपर कटर की हेल्प से हटा दूंगी। गाइस, अगर आपका पेस्ट मिरर के ऊपर से अगर हटता नहीं है तो आप पेस्ट को थोड़ा गीला करके देन पेपर कटर की हेल्प से हटा सकते हैं। अब हमारा मोज़ेक फ्लावर वास बनकर रेडी हो चुका है, आप लोग भी बनाकर जरूर देखिएगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।